हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आर2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडर 2022 की वैकेंसी जो है कि रिलीज़ कर दी गई है, आज ही रिलीज हुआ है। ऑल इंडिया भर्ती ये है, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी चाहिए आपकी पढ़ाई, कितनी होनी चाहिए और कितनी आपकी लंबाई होनी चाहिए ताकि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज से ही जो है कि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। कितनी चाहिए आपकी जो है कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं, जो चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे आपके मुद्दे पे आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए गवर्नमेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाना है। आ जाने के बाद आपको जो है कि सरकारी रिजल्ट कि ऑफिशियल वेबसाइट पर फर्स्ट जो है कि लेटेस्ट जॉब में आ जाना है, जो कि पहले ही आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यूपीएससी कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडर की जो है कि वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। नोटिफिकेशन आपका जो है कि देख सकते हैं, आर2 डिफेंस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ हैं जो कि आपको बेहद याद रखना है। अप्लीकेशन जो है कि स्टार्ट आज से ही हुआ है, 20 अप्रैल 2022 से, और जो है कि लास्ट डेट आपका जो है कि 5 मई 2022 है 6 बजे तक, ठीक है, शाम का 6 बजे तक, ठीक है। यदि आप जनरल ओ बी सी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये आपका जो है कि फीस होने वाला है। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और फीमेल आल कैटेगरी का 0 रुपया पेमेंट कटने वाला है, ठीक है। और जो है कि टोटल पोस्ट की बात करूं, कितना पोस्ट है, तो 253 पोस्ट जो है कि शामिल है। एज लिमिट की बात करूं, उम्र सीमा की क्या उम्र क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो 20 से 25 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। डिपार्टमेंट देखिए, बीएसएफ में आपके 66 पद आए हैं, सीआरपीएफ में 29 पद, सीआईएसएफ में 62 पद, आईटीबीपी में 14 पद और एसएसबी में 82 पद आपके जो है कि सम्मिलित है। यूपीएससी सेंटर आर्म पुलिस फोर्स एग्जाम एलिजिबिलिटी, मतलब वो क्या आपकी जो है कि पढ़ाई होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री आपका जो है कि प्राप्त होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका जो है कि बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए ताकि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से ही स्टार्ट है ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है कि डेट, और लास्ट डेट आपका 10 मई तक होने वाला है। फिजिकल में आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देना है। फिजिकल में आपका हाइट देखिए, मेल कैंडिडेट का 1.65 होना चाहिए, फीमेल का 1.57 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करूँ तो 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच आपका जो कि मेल कैंडिडेट का होना चाहिए, सॉरी 81-86 होना चाहिए, 81 आपका जो है कि होना चाहिए, 86.5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फीमेल का चेस्ट जो है कि नहीं नापा जाता है, 100 मीटर आपको रेस करना होगा, 16 सेकेंड में ही पार कर देना होगा, और जो है कि फीमेल की बात करूँ तो 18 सेकेंड में पार कर देना होगा। 800 मीटर फिर रेस होने वाला है, जो कि 3 मिनट 45 सेकेंड आपको मिलने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। लॉन्ग जंप मतलब ऊँची कूद आपको जो है कि मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर आपका जो है कि लंबी कूद आपको करना होगा, और फीमेल के 3 मीटर जो है कि लंबी कूद करना होगा। शॉर्ट पुट मतलब आपको जो है कि गोला फेंकना होगा मेल कैंडिडेट को 4.5 मीटर, और फीमेल को नहीं फेंकना है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल में क्या क्या करना है एंड अदर चीज़ें मैं आपको शॉर्ट डिटेल में सब कुछ बता चुका हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा ताकि हर एक चीज़ आप जान सके फॉर्म भरने से पहले। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।